नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं जेएसवी बिजनेस आइडियाज। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पेपर कप बिजनेस के बारे में, क्योंकि दोस्तों पेपर कप एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप लोग कम कीमत में स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को पेपर कप बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी देने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन सी मशीन चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कौन सा लाइसेंस चाहिए और आप लोगों को कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। उस दोस्तों आजकल शादी समारोह हो या फिर कोई छोटा मोटा फंक्शन, कोई बड़ी होटल हो या फिर छोटा रेस्टोरेंट, सब जगह चाय और कॉफी के लिए है तो पेपर कप का यूज किया जाता है और आगे आने वाले समय में भी पेपर कप उसकी डिमांड है वो काफी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों ऐसे में आप लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करके है जो महीने के लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दे ताकि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए और आप लोग कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो पेपर कप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है वो है पेपर कप बनाने के लिए कच्ची सामग्री। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग भी पेपर कप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए आपको दो कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यानी कि रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, जिनमें से पहला है पेपर कप बेलेग, जो कि आपको 70 रुपये प्रति केजी आपको मार्केट में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों जगह पर मिल जाता है। दोस्तों इसमें जो दूसरा कच्चा माल यूज किया जाता है उसका नाम है पेपर कप बॉटम, जो कि आप लोगों को है जो 75 रुपये प्रति केजी मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों बात करें पेपर कप बनाने की मशीन की, तो दोस्तों पेपर कप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुख्य चीज़ है वो है पेपर कप बनाने की मशीन। अगर आप लोग है जो अपना पेपर कप का बिजनेस अपने छोटे स्तर पर स्टार्ट करना चाहते हो, बड़े स्तर पर स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, तो इसकी मशीन जो आप लोगों को 5,03,000 में जो ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों जगह पर मिल जाती है। अगर दोस्तों आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो अधिक है और आप लोग है जो इस बिजनेस को बड़े स्तर पर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को इससे अधिक कॉस्ट की मशीन है वो खरीद लेनी है, जिससे दोस्तों आप लोग कम समय में ज़्यादा पेपर कप बना सकते हो। दोस्तों अगर बात करें पेपर कप बिजनेस को स्टार्ट करने की जगह की, दोस्तों अगर आप लोग इस बिजनेस को छोटे स्तर पर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग इसे अपने छोटे से घर में भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लोग इस बिजनेस को बड़े स्तर पर या फिर फैक्ट्री खोलकर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा जगह की आवश्यकता हो सकती है। कुल लागत की, कुल इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों कुल लागत है वो आपकी मशीन के ऊपर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा महंगी आप मशीन खरीदोगे उतनी ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट है वो इस बिजनेस में लगने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग इस बिजनेस को छोटे स्तर पर स्टार्ट करते हो तो आप लोग इसे 5 से 6 लाख में आराम से स्टार्ट कर सकते हो। अगर बड़े स्तर पर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको 15 से 20 लाख रुपये इस बिजनेस में लग सकते हैं। दोस्तों बात करें मुनाफे की, अगर दोस्तों आप लोग पूरे दिन में 70 से 80 हज़ार ग्लास बनाते हो तो आप लोगों के महीना का जो प्रॉफिट है वो 2 से 3 लाख होने वाला है, वो भी पूरा लाइट का और वर्कर्स का खर्चा निकाल कर। बात करें पेपर कप बनाने की बिजनेस के लाइसेंस के बारे में, तो दोस्तों अगर आप लोग इस बिजनेस को छोटे स्तर पर स्टार्ट करोगे दोस्तों आप लोगों को उद्यम उद्योग से है जो इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दोस्तों आप लोग इसी बिजनेस को बड़े पैमाने पर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोगों को फैक्ट्री लाइसेंस और MSME में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी न भूले और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर ले। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।